जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दो क्रिकेटर आबिद मुश्ताक और रासिक सलाम जो है वो 20-20 लाख में सोल्ड हो चुके हैं। और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। जहां पर रासिक सलाम की और आबिद मुश्ताक की बात करते हैं, कल आपने तस्वीरें देखी आबिद मुश्ताक के डोडा से, किस तरह से लोग खुश थे। और आपने देखा कि बस स्टैंड के एरियाज के आसपास नौजवान जो है वो ढोल नगाड़ों पर डांस कर रहे थे। और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही खास मौका है, क्योंकि IPL ऑक्शन 2024 की बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग, आपने देखा कि सिर्फ हमारे भारत से ही नहीं, लोग IPL को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड क्रिकेट को देखना पसंद किया जाता है। लेकिन ऐसे में एक गहरी नज़र रहती है, वो किस पर रहती है, जब IPL को ऑक्शन होता है कि कौन सा खिलाड़ी कितने रुपए में सोल्ड हो रहा है या अभी तक कोई है। लेकिन आपको बता दें कि विवरांत शर्मा का नाम भी जो है इसमें है, लेकिन अभी तक वो जो है अनसोल्ड है। वहीं अगर विवरांत शर्मा की बात करें, वो भी बहुत होनहार खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है वो भी करते हैं। लेकिन बात करते हैं रासिक सलाम और आबिद मुश्ताक की। जिस तरह से रासिक सलाम की सबसे पहले अगर बात करें, तो रासिक सलाम जो है वो 2024 में जो है अभी यानी IPL ऑक्शन में 20 लाख में सोल्ड हुए दिल्ली कैपिटल्स के लिए। इससे पहले वो कोलकाता नाइट राइडर और मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं। और आपको बता दें कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज गेंदबाज हैं और एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो उन्होंने दी है। अब बात करते हैं आबिद मुश्ताक की, जो डोडा के रहने वाले हैं। राजस्थान रॉयल ने उन्हें 20 लाख रुपए में जो है वो यानी सोल्ड किया है, यानी खरीदा है। और आपको बता दें कि ये दोनों जाबाज जम्मू कश्मीर के हैं। और रासिक सलाम की बात करते हैं और आबिद मुश्ताक की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्व फील होता है कि ये लोग जम्मू कश्मीर से। अगर मैं आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर आबिद मुश्ताक का नाम लूँ, तो पिछले साल अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम जब पहुँची थी भारत, तो ये एज ए नेट बॉलर भी थे उनके लिए, यानी एज ए नेट बॉलर ऑस्ट्रेलिया टीम में जो ये सिलेक्ट हुए थे, वो भी कोई छोटा मूवमेंट नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए एज ए नेट बॉलर सिलेक्ट होना। और मैं आपको बता दूं कि आबिद मुश्ताक की जहां तक परफॉर्मेंस की बात करें, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, ऑलराउंडर हैं ये। और ऑलराउंडर जिस तरह से आप जानते हैं कि सारी चीज़ों का अच्छी तरह से अनुभव होना। और रासिक सलाम की बात करें, रासिक सलाम जब मुंबई इंडियंस में थे, तब रोहित शर्मा ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया इन्हें और रोहित शर्मा ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर में हुनर की कमी है, जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह से हुनर की कमी नहीं है। मुझे लगता है सारा का सारा हुनर ही जम्मू कश्मीर में है। और आगे जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह विवरांत शर्मा भी जल्दी ही जो है वो सोल्ड हो जाए, क्योंकि अभी तक जो है विवरांत शर्मा अनसोल्ड है। और जहां पर बात करते हैं अभी किसकी बात करते हैं, यहां पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारा ट्रॉफी की। रासिक सलाम में उनने जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया विजय हजारा ट्रॉफी में, और इसी के साथ साथ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। आबिद की बात करते हैं, आबिद ने पिछले सीजन में जो है 32 विकेट्स लिए थे रणजी ट्रॉफी में भी, और बहुत अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस दिया था, जिससे भारत टीम को उनके ऊपर गर्व है। एक बार फिर से कहना चाहेंगे, चाहे रासिक सलाम हो चाहे आबिद मुश्ताक हो, अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा और किसी भी लिहाज से इनकी अचीवमेंट्स कम नहीं है, क्योंकि भारत को प्राउड फील कराने में यानी जम्मू कश्मीर को प्राउड फील कराने में रासिक सलाम, आबिद मुश्ताक, विवरांत शर्मा, उमरान मलिक, अब्दुल समद और जिनके शायद नाम मुझे नहीं भी ज़ुबान पर आ रहे हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बाकी बच्चों के लिए मोटिवेट करने में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की। और जम्मू कश्मीर में हुनर की कमी तो नहीं है, इस खबर के बाद ये पूरी तरह से साफ हो जाता है। और डेली एक्सेलसियर की रिपोर्ट थी ये, इसने जिस तरह से हमने आपको बताया कि अभी तक विवरांत शर्मा जो है अनसोल्ड है, जैसे ही वो भी सोल्ड होंगे इंशाल्लाह ये खबर मिले तब आपके पास दोबारा हाजिर होंगे।